अलैकुम जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट एक मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बनाने लगी हूँ मैंगो डेजर्ट, तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैंगो जेली बना लूंगी। तो एक कप पानी मैंने अच्छी तरह गर्म कर दिया, इस बाउल में डाल दूंगी। बॉयल पानी में मैं एक पैकेट मैंगो जेली का डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जेली को अच्छी तरह मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, तो अब इसको एक प्लेट में मैं इस तरह डाल के तो जमने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट ऐसे ही रखूंगी तो ये अच्छी तरह जम जाएगा। अब यहाँ पे एक मैंगो को मैंने ऐसे क्यूब्स में काट दिया है, इनके क्यूब्स में सारे अलग करके प्लेट में रखती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक मैंगो का मैं आपके सामने इस तरह क्यूब्स बनाती हूँ। इसके इस तरह सारे क्यूब्स निकाल लेने, इसको भी एक साइड पे रख लेती हूँ। ये देखें, अब इस साइड से इसको आराम से ये निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक पैन ले लूँगी और इसमें मैं ये डिब्बे वाला दूध डाल दूँगी। 1 किलो के करीब ये डिब्बे वाला दूध डालने लगी हूँ। और इसके साथ ही ये जो कलर वाली सेवैयाँ होती हैं ये इसमें चली जाएंगी। आग मैंने नीचे बिल्कुल स्लो रखी हुई है, स्लो आग पे इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये जो सेवैयाँ हैं वो ज़रा देर से गलती हैं, तो अभी मैं इसको स्लो आग पे बना रही हूँ। अब इसमें चम्मच हिलाते रहना है कि ये सेवैयों की जो है वो नीचे गुठली ना बने और अच्छी तरह ये इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे एक प्याली के करीब मैंने दूध ले लिया और इसमें 1 टेबल स्पून मैं वनीला कस्टर्ड का डाल दूँगी। ज़्यादा कस्टर्ड नहीं डालना, 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये वनीला कस्टर्ड डाल दूँगी। ये सिर्फ सेवैयों को हल्का सा थिक करने के लिए मैं डालने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मिक्स करके मैं एक साइड पर रख लेती हूँ, तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, सेवैयों को बिल्कुल हल्की आग पे मैं पका रही हूँ और सेवैयों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट में चीनी डाल दूंगी तो ये सेवैयाँ जल्दी गलेंगी नहीं। यहाँ पे देखें जी, सेवैयों को पकते हुए बिल्कुल हल्की आग पे 10 मिनट हो गए और अभी इनके गलने का मैं वेट कर रही हूँ। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है और 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही इसको पका रही हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, सेवैयाँ अच्छी तरह गल गई हैं और 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। ये मैंने नाप के रखी हुई थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब मैं कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। ये भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही ये जो मैंने वनीला कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था ये इसमें चला जाएगा। इसमें ऐसे चम्मच हिला हिला के इसको डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, कि इसमें गुठलियां ना बने। बिल्कुल हल्की आग पे पकते हुए इन सेवैयों को तकरीबन आधा घंटा हो गया और अच्छी तरह ये ठीक हो गई। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसके ठंडा होने का वेट करती हूँ। जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे देखें जी, मैंगो जेली भी हमारी अच्छी तरह सेट हो गई है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारी जो सेवैयाँ वो अच्छी तरह ठंडी हो गई हैं और इनको ठंडा करने के बाद ही बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो ये इसमें एक बाउल में मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे इसमें मैं ये जेली डाल दूंगी जो मैंने क्यूब्स में काटी हुई थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये थोड़े से मैंगो में ऊपर इसमें डाल दूंगी, बाकी मैं गार्निश के लिए रखूंगी। इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना है। थोड़े से मैंगो में ऊपर डाल दूंगी इसकी गार्निश के लिए, इसलिए इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। इसको ठंडा करके ये सारा काम होगा। अब ऊपर से मैं सारे जेली लगाती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैंगो डेजर्ट हमारा बन के तैयार हो गया। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।